वेब सीरीज के डिपार्टमेंट में किसी ने प्रो लेवल पे जाकर एंटरटेन करने का जिम्मा उठाया है जो ऑडियंस को बिल्कुल भी निराश नहीं होने देगी, तो वो है कोरियन वेब सीरीज की दुनिया, जहां आपको बेहतरीन स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन, रिएक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब भर भर के प्रो लेवल का मिलेगा। कहानी कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, कोरियन ड्रामा में इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है। वेल, ऐसी ही टॉप 6 वेब सीरीज की लिस्ट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो कोरियन वेब सीरीज की दुनिया के मास्टर पीसेस है। इस तरह के और भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट को फील करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप हर मास्टरपीस का मजा उठा पाए। 이정혁 씨는 참 좋은 사람이야. 갑자기 그런 생각이 들어요. 난 이정혁 씨가 행복했으면 좋겠어. नंबर 6 पे है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। वेल, कोरियन ड्रामा में बहुत सारे रोम कॉम जॉनर की वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामास में से है जो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। स्टोरी यून सेरी नाम के कैरेक्टर की है जो पैराग्लाइडिंग करते करते बाय एक्सीडेंट साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में जाकर लैंड करती है। वेल, कहानी यहीं से ट्विस्ट पकड़ती है जब नॉर्थ कोरिया का एक ऑफिसर यून सेरी को वहाँ की आर्मी से बचाते बचाते एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वेल, अब इस दौर में कोरियन ड्रामा का क्रेज ऑडियंस में बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ वो अपने क्वालिटी ड्रामा, एक्सलेंट स्टोरी और सिनेमेटोग्राफी से ऑडियंस को बांध कर रखना अच्छे से जानती है। और इसकी हिंदी डबिंग की क्या ही बात करें, एकदम कैरेक्टर को शीशे की तरह उतार दिया गया है। वेल, अभी तक मुझे इस सीरीज का एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला है, जिसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। नंबर 5 पे है ऑल ऑफ अस आर डेड, एक क्लासिक जॉम्बी ड्रामा जहां भर भर के आपको एक्शन, थ्रिल, हॉरर और एक्साइटमेंट लेवल के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जब ये पूरा स्कूल कैसे एक बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां अपने ही दोस्त वर्स्ट नाइटमेयर्स और एनिमीज की तरह पीछे पड़ जाएंगे। वेल, मरो या मारो की इस सिचुएशन में ये स्टूडेंट कैसे इस सिचुएशन से भागने का रास्ता ढूंढते हैं, इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ इसका बैकग्राउंड ट्रैक, स्केरी विजुअल, सरप्राइज देने वाले एक्शन सीन्स काफी नए तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। वेल, जॉम्बी क्लिप्स की सीरीज की दुनिया में ये थोड़ा सा हट के इम्प्रूव्ड वर्जन ड्रामा है, जिसमें 80-90% आपको सिर्फ जॉम्बीज ही दिखाई देंगे, जिसे मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। नंबर 4 पे है विंसेंजो। कोरियन ड्रामा एक अलग ही जॉनर फॉर्म करता जा रहा है, जहां उसको क्लियरली पता है कि ऑडियंस को कैसे हुक करके रखना चाहिए। बात करें प्रेजेंटेशन की, सिनेमेटोग्राफी की, या फिर हर चीज को एक डिफरेंट एंगल से दिखाना हो, या फिर इनके एक्शन में एटीट्यूड डालना हो, कोरियन ड्रामा हर बार प्रो लेवल रीच करने की पूरी कोशिश करता जा रहा है। वेल, इस सीरीज का केवल एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसके ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हर एपिसोड जो एक मूवी की तरह चलता है, पर इसकी हिंदी डबिंग इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आपको इस सीरीज के लंबे एपिसोड्स और स्लो होने के बाद भी आपको अपनी जगह से उठने नहीं देगी। सीरीज में एक दो सेडक्टिव सीन्स हैं, पर अगर आप उनको हटा दें तो ये परफेक्ट बिंज वॉच है जो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इतनी सारी जॉम्बी मूवीज और शो के बाद इस कॉन्सेप्ट पर हमें एक फ्रेश कंटेंट देखने को मिला है, जहां पर राजा ही सारी जनता का कर्ता धरता होता है। अगर हम सीधा बात करें प्लॉट पर, तो पूरे शहर में एक ऐसा प्लेग फैलता है जिससे लोग ह्यूमन से रियल मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ऐसे में राजा कैसे कुछ लोगों के साथ मिलकर इस कहानी को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने की कोशिश करता है, इस सीरीज में बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। वेल, जब मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया था, तो इस सीरीज का पहला एपिसोड मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगा था, पर कहानी कैसे डेवलप होती है इसके पहले एपिसोड में ही दिखाया गया है। पर सेकंड एपिसोड से जो एक्साइटमेंट का ग्राफ जैसे जैसे इंक्रीज करता है, आपको अपनी जगह से ग्लू कर देगा। वेल, सीरीज अपने 2 सीजन के साथ डेफिनेटली वन टाइम वॉच जरूर है। नंबर 2 पे है अनकैनी काउंटर। नेटफ्लिक्स पर हमें भर भर के एक से एक कंटेंट देखने को मिल रहा है, जहां इस कोरियन सीरीज को मैंने एज अ कैंपी सुपर हीरो शो की तरह देखना शुरू किया था, पर भाई साहब क्या नहीं है इस सीरीज में। थ्रिल, फुल ऑन ड्रामा, एक्शन, ग्रेट कास्टिंग और सुपर एक्सीलेंट एक्टिंग का कॉकटेल है ये सीरीज, जहां हमें ह्यूमन और काउंटर्स दोनों का नैरेटिव बैलेंस तरीके से दिखाया गया है। काउंटर्स जो इन इविल स्पिरिट्स को फ्री करने का काम करते हैं, वहीं एज अ ह्यूमन इनके बीच में हमें फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग के साथ साथ टीम में एक साथ काम करने की स्पिरिट दिखाई गई है। वेल, सीरीज का एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसके थोड़े लंबे एपिसोड्स हैं, पर कोरियन ड्रामास की सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी होती है कि वो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। वेल, ये सीरीज अब अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें एडल्ट सीन ना के बराबर है। कुछ
ऐसी सीरीज जिसने आते ही ऑडियंस के बीच में सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट बदल दिया हो। मतलब क्या नहीं है इस सीरीज में, एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, क्रेजी गेम, सस्पेंस, सैडनेस, और इन सब के ऊपर हर कैरेक्टर का इक्वली इनपुट देना और हर गेम के साथ एक अलग तरीके का टेंशन पैदा करना इस सीरीज को इस लिस्ट में नंबर 1 पर लेकर आता है। और अगर आपने इस सीरीज को एक बार देखना शुरू किया तो ये आपको बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देगी। सीरीज में सिर्फ एक जगह सेक्सुअल सीन है, पर अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। वेल, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।